Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to your students. How are you? I hope you are fine. Today we are going to start our new chapter, chapter number 2, Maps and Globe. So let's start. What is a map? A map can be defined as a drawing of any area. It could be your classroom, your house, the area you live in, your city, country or the whole. As you can see it in the picture, jaise ki aap इस तस्वीर में देख सकते हैं, इट इज़ द मैप ऑफ अ सिटी. ये किसी शहर का नक्शा है. तो इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें जगह, जो भी चीज़ है उसकी लोकेशन बताई गई है कि कौन सी जगह ईस्ट में है, कौन सी जगह वेस्ट में है, नॉर्थ साउथ में है. जैसे कि आप देख सकते हैं, देयर इज़ अ लाइब्रेरी, देयर इज़ अ हॉस्पिटल. And these are the houses, and there is a post office. This is a drawing of a city. It is called a map. हमें पता चल रही है कि पोस्ट ऑफिस किस डायरेक्शन में है, वेस्ट में है, और हाउसेस कौन सी डायरेक्शन में है, लाइब्रेरी किस डायरेक्शन में है, और ये हॉस्पिटल कौन सी डायरेक्शन में है. ये इन जगह की, जो भी जगह है उसकी लोकेशन, उसकी लोकेशन हमें पता चल रही है, तो वो उसको हम मैप कहते हैं. मैप में हमें किसी भी जगह की लोकेशन पता चलती है. और हमें मुख्तलिफ लैंडफॉर्म्स, मतलब लैंडफॉर्म का पता चलता है कि वो कहाँ, कौन सा लैंडफॉर्म किधर है. जैसे कि डिज़र्ट है, माउंटेंस है, और रिवर्स है. दीज आर ऑल लैंडफॉर्म्स. अ ग्लोब इज़ अ राउंड मॉडल ऑफ द अर्थ. नाउ कम टू द ग्लोब. दिस इज़ अ राउंड मॉडल ऑफ द अर्थ. ये एक अर्थ का मॉडल है. इट इज़ इन द शेप ऑफ अ स्फीयर व्हिच इज़ अ थ्री डायमेंशनल एंड राउंड फिगर. इट इज़ अ स्फेरिकल जैसे फुटबॉल होता है. स्फेरिकल इसका ऐसे शेप होता है, और थ्री डायमेंशनल फिगर होता है. अ ग्लोब डिमॉन्स्ट्रेट्स द अर्थ रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस व्हिच इज़ एन इमेजिनरी लाइन थ्रू द मिडल ऑफ द अर्थ. अब ग्लोब में क्या हो, ग्लोब जो होता है वो अपनी एक्सिस से, मोहर जो उसकी लाइन है, वहाँ से रोटेट करता है, मूव करता है, जिससे दिन और रात बनते हैं. इमेजिनरी लाइन, इट इज़ इक्वेटर इज़ आल्सो इमेजिनरी लाइन. ग्लोब्स आर द मोस्ट एक्यूरेट वे टू रिप्रेजेंट द सरफेस ऑफ द अर्थ. हाउएवर एज़ कम्पेयर टू मैप्स, दे गिव लेस डिटेल और इंफॉर्मेशन. ग्लोब जो है वो ग्लोब्स डिफरेंट है मैप से. क्यों डिफरेंट है? क्योंकि जो ग्लोब है वो हमें अर्थ के सरफेस जो है, उसका जो आउटर पार्ट है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है ग्लोब. लेकिन जो मैप होता है वो हमें सारी डिटेल देता है. जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि हर जगह का बताया गया है कि कौन सी प्लेस, कौन सी चीज़ कहाँ पर है. So globes and maps are different. So it is different from the map. I hope you got it. Today's topic. Take care. Goodbye. Thank you for watching.